दोस्तों नमस्कार, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केसी सिन्हा ऑथर के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 3 के तीसरे और चौथे भाग को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले और दूसरे भाग को देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, निम्नलिखित के सांख्यिकीय मान पर क्लिक करें, ठीक है। और इसमें पहला भाग दिया गया है tan 60 डिग्री बटे sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, और चौथा दिया गया है 4 बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। आइए हम बारी बारी से पहले और दूसरे जो तीसरा भाग है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए जो तीसरा भाग में दिया गया है इसे हम लिख लेते हैं। तो जो भाग संख्या 3 में दिया गया है हमने इसे लिख लिया है, आइए इसका मान बैठा लिखेंगे हल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले दिया गया है tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3 होता है, ठीक है। रूट अंडर 3 आपको ये मान याद करना ही होगा, ठीक है। हम आपको एक बार मान सारी दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी भाषा से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे मान सारी को रख दिया है, देखिए ये एक मान सारी है, ठीक है। आपको इसको याद करने के लिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस मान को याद कर लेंगे, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 30 का मान भी √3/2, ठीक है, बराबर। देखिए रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 को रहने देंगे और बट्टे में देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ जैसा हो गया, तो भिन्न का जोड़ हम इसे बना लेते हैं। देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, √3 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा और बराबर। देखिए यहाँ पे √3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं √3/1 गुना, यदि के भाग में है इसे हम गुना में बदलेंगे तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो √3 यहाँ देखिए 1√3 और 2 1√3 दोनों को जोड़ देंगे तो 2√3 हो जाएगा, तो 2√3। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है। देखिए ये 1 आ गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया। अब चलिए भाग संख्या 4 की ओर चलते हैं। भाग संख्या 4 में दिया गया है 4/sin²60 डिग्री प्लस 3/cos²60 डिग्री, ठीक है। तो इसे भी हम हल कर लेंगे, तो देखिए 4/sin60 का मान कितना होता है, तो sin60 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, कॉस 60 का मान कितना आता है, तो 1/2 होता है, 1/2 का, ठीक है। देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ पे 4 है तो देखिए 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1, तो 4/1 है, इसको ये भाग में है तो गुणा में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे √3 को हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 बार गुणा करेंगे तो ये 3 ये रह जाएगा, ठीक है। तो 3 देखिए ऊपर में है तो नीचे हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, प्लस गुना 2 दूनी 4 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है, बराबर। 4 गुनी 4 कितना होता है, 16, 1 गुना 3 3 प्लस 4 तिया 12/1, ठीक है। अब देखिए 1 और 3 का एलसीएम निकलना है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16 प्लस 3 को 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 12 तिया कितना होता है, 36। तो इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो 52 आता है / 3, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
आई होप कि आप सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।